दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शनिवार को शपथ ग्रहण करने जा रहे आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। उनके साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया भी थे। पीएम ने गुलदस्ता भेंट कर केजरीवाल का स्वागत किया और उन्हें दिल्ली की जीत पर बधाई दी। मनीष सिसोदिया ने बताया है कि केजरीवाल ने पीएम के साथ मुलाकात के दौरान दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का मुद्दा उठाया। केजरीवाल ने पीएम को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का न्योता भी दिया। मोदी के साथ करीब आधा घंटे की इस मीटिंग में दिल्ली के कई मुद्दों पर बात हुई। मुलाकात के खत्म होने के बाद केजरीवाल पीएम आवास से सीधे घर के लिए निकल गए। केजरीवाल के साथ मुलाकात में शामिल हुए आप नेता मनीष सिसोदिया ने बताया है कि केजरीवाल को थोड़ा बुखार था, इसलिए वो सीधे अपने घर चले गए। सिसोदिया ने कहा है कि हमने पीएम से कहा है कि दिल्ली की जनता से लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार को पूर्ण बहुमत दिया, जबकि विधानसभा में आपको पूर्ण बहुमत दिया है। दिल्ली और केंद्र दोनों जगह पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, दोनों मिलकर दिल्ली को पूर्ण राज्य बना सकते हैं। तय कार्यक्रम के हिसाब से वो दिल्ली से बाहर रहेंगे और आना उनके लिए संभव नहीं है। उसके बाद हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया कि दिल्ली के लोगों ने अब पूर्ण बहुमत देके आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी है। इसके पहले केंद्र के लिए दिल्ली के लोगों ने पूर्ण बहुमत देके बीजेपी सरकार के लिए पूर्ण बहुमत दिया था। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये दोनों पूर्ण बहुमत वाली सरकारों को मिलके अब दिल्ली की एक बहुत बड़ा इशू जो पूर्ण राज्य का मुद्दा है वो सॉल्व करना चाहिए और दिल्ली के लोगों को एक पूर्ण राज्य का दर्जा देकर उनको पूरी सुविधाएं मिल सकें, ऐसी व्यवस्था हमको मिलकर बनानी चाहिए। हमने उनसे भी रिक्वेस्ट किया कि यही एक मौका है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जब सेंटर में एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार है और दिल्ली में एक पूर्ण बहुमत वाली अभी सरकार चुनी गई है, दोनों मिलकर दिल्ली को पूर्ण राज्य बना सकते हैं और दोनों ही पहले इसके बारे में बात करते रहे हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।